नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आज मैं आपको चींटियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। अफ्रीकी चींटियाँ हमले में घायल अपने साथियों को उठाकर सुरक्षित ठिकानों तक लाती हैं, उनके जख्मों की सफाई करती हैं और उनकी देखभाल कर फिर से सेहतमंद बनाती हैं। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में यह जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान के अलावा और किसी जीव में इस तरह के व्यवहार का यह पहला उदाहरण है। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने देखा कि चींटियाँ लंबाई में कम लेकिन लड़ाई के मैदान में घायल अपने साथियों को उठाकर घर में वापस लाती हैं। बाम्बियों में साथ रहने वाली चींटियाँ अपने साथियों के लिए नर्स बन जाती हैं। विज्ञान पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी बी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों के खुले जख्मों को गहराई से चाट कर साफ किया जाता है। चींटियों का यह व्यवहार घायल होने वाले सैनिकों में मौत की तादाद को 80% से घटाकर महज 10% तक सीमित कर देता है। रिसर्च के सह लेखक एरिक फ्रांक ने बताया, यह जानवरों की स्वचिकित्सा के जरिए नहीं होता जिसके बारे में हम सब जानते हैं, बल्कि बामी में साथ रहने वाले साथियों के जरिए होता है। गहराई तक जख्मों को चाटने से संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। फ्रांक पहले भी इसी तरह की एक रिसर्च में शामिल थे जिसके नतीजे बीते साल आए और जिसमें युद्ध के मैदान में चींटियों के बचाव अभियान की पड़ताल की गई। नई रिसर्च में इस पर ध्यान दिया गया कि बचा कर लाने के बाद घायलों के साथ क्या किया जाता है। अफ्रीका की माटाबेला दुनिया में चींटियों की सबसे बड़ी प्रजाति है और यह बहुत खूंखार मानी जाती है। यह इंसानों को भी अपने दंश का शिकार बनाती है। दक्षिण अफ्रीका के माटाबेले जनजाति पर रखे अपने नाम को इन्होंने अपने से बड़े आकार के कीट पतंगों पर हमला करके सच साबित किया है। अक्सर यह अपने शिकार पर 200 से 600 तक की तादाद में हमला बोलती है। शिकार के इस तरीके से कई चींटियां घायल हो जाती हैं और अपने उनके पांव को कीट पतंग नुकसान पहुंचाते हैं। शिकार की जंग के बाद कुछ चींटियां मरे हुए शिकार के साथ अपने घर लौटती, जबकि दूसरी चींटियां इस दौरान मैदान पर घायल हुए साथियों की तलाश करती हैं। फ्रांक ने बताया, लड़ाई के बाद घायल चींटियां मदद के लिए फेरोमोन्स के जरिए पुकार लगाते हैं। यह एक रासायनिक संकेत है जो एक उनमें मौजूद विशेष ग्रंथि से निकलता है। बचाव कर्मी अपने मौजूद जबड़ों का इस्तेमाल कर घायलों को उठा लेते हैं और फिर बाम्बी में इलाज के लिए ले जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गंभीर रूप से घायल सैनिक, जैसे जिसकी 6 में से 5 टांगें कट गई हो, वो बचाव कर्मियों को संकेत देते हैं कि उन्हें उठाने की फिक्र ना करें, जबकि कम घायल साथी चुपचाप पड़े रहते हैं और अपने रक्षक के लिए काम आसान बनाते हैं। दूसरी तरफ गंभीर रूप से जख्मी बचाव कर्मी को खुद से तब तक दूर भगाते हैं जब तक कि वह उन्हें मरने के लिए छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाता। इस खोज ने वैज्ञानिकों के लिए कई सवाल पैदा किए हैं। चींटियां कैसे पहचानती हैं कि उनका साथी वास्तव में कहां घायल हुआ है? उन्हें यह पता कैसे चलता है कि जख्मों की मरहम पट्टी अब नहीं करनी है? इलाज केवल संक्रमण को रोकने के लिए है या फिर बीमारी को ठीक करने के लिए? आने वाले समय में शायद इसके जवाब भी मिल जाएं। चींटियों के बारे में कुछ मज़ेदार तथ्य। दुनिया भर में चींटियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। आकार में ये 2 से 7 मिलीमीटर के बीच होती हैं। सबसे बड़ी चींटी कारपेंटर चींटी कहलाती है। उसका शरीर करीब 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है। एक चींटी अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा भार ढो सकती है। कीटों में चींटी का दिमाग सबसे तेज माना जाता है। इसमें करीब 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं। रानी चींटी सबसे बड़ी होती है। इसका अहम काम अंडे देना है। यह हजारों अंडे देती है। नर चींटे का शरीर छोटा होता है। यह रानी चींटी को गर्भवती करने के कुछ दिन बाद मर जाता है।
अन्य चींटियों का काम खाना लाना, बच्चों की देखभाल करना और कॉलोनी नुमा घर बनाना है। साथ ही रक्षक चींटियों का काम घर की हिफाजत करना होता है। असल में चींटियां सुन नहीं सकती क्योंकि उनके कान नहीं होते हैं। हालांकि ये जीव ध्वनि को कंपन में महसूस कर सकते हैं। आसपास की आवाज को सुनने के लिए ये घुटने और पांव में लगे खास सेंसर पर निर्भर करते हैं। चींटियों के दो पेट होते हैं, एक में खुद के शरीर के लिए खाना होता है और दूसरे में कॉलोनी में रहने वाले दूसरे चींटियों के लिए खाना होता है। चींटियां रानी चींटी की उम्र लंबी होती है, वह 20 साल भी जीवित रह सकती है। उनकी मदद करने वाली अन्य चींटियां करीब 45 से 60 दिन ही जीवित रहती हैं। और अगर रानी चींटी मर जाती है तो कुछ ही दिनों में चींटियों की कॉलोनी नष्ट हो जाती है। चींटियों की हर कॉलोनी की एक तय सीमा होती है, वे लगातार अपने सीमा का विस्तार करने की कोशिश करती रहती है। अगर ऐसा होता है तो युद्ध छिड़ जाता है जो अक्सर कई घंटों या कई हफ्तों तक भी चलता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद।